सूर्य की किरणों के साथ मुफ्त में मिलने वाली विटामिन डी के बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में इसकी कमी से जूझ रहे हैं, इसके शिकार हो रहे हैं। दरअसल विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। क्या है ये विटामिन डी? दोस्तों आपको बता दें कि विटामिन डी वसा में घुलनशील प्रो हार्मोन्स का एक समूह होता है। यह एक स्टेरॉयड विटामिन है जिसका निर्माण हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल और अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद से होता है। दोस्तों विटामिन सी जो है, इस WHO का कहना है हर व्यक्ति को 600 से 800 के बीच में विटामिन डी की मात्रा लेनी चाहिए। अगर ये बिल्कुल धूप में नहीं निकलते हैं तो इसकी मात्रा 1000 तक पहुंच सकती है। विटामिन डी के कुछ स्रोत हैं, अच्छे स्रोत हैं जिनको आप यूज करके विटामिन डी की कमी की पूर्ति कर सकते हैं। ऐसे तो सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य की रोशनी, लेकिन इसके अलावा भी आप जैसे दूध यदि इस्तेमाल करते हैं तो उसमें विटामिन डी की वो कमी को पूरा कर सकता है। इसके अलावा मछली का जो तेल होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, इसमें विटामिन डी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा मशरूम, दोस्तों मशरूम जो है इसमें प्रोटीन, बीटा कैरोटीन और ग्लूकन जैसे पोषक तत्व होते हैं जो दूसरे फूड में नहीं पाए जाते हैं। जिस तरह इंसानों को सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है, उसी तरह मशरूम भी धूप लेकर विटामिन डी बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा अंडे की जर्दी आप यूज कर सकते हैं, विटामिन डी की कमी को ये पूरा करेगा। संतरा जो है विटामिन सी और विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। विटामिन डी की कमी वाले लोगों को संतरा जो है उसको लेना चाहिए, अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा पोषक तत्वों से भरपूर जो टोफू होता है वो प्रोटीन, अमीनो एसिड और आइसोफ्लोनिस पदार्थ मौजूद होते हैं जो मसल्स के विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा इसमें कई मिनरल्स पाए जाते हैं, जिंक होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है और विटामिन डी भी इसमें मौजूद होता है।